कहते हैं कि जबलपुर में यारी के लिए जान दी भी जा सकती है और किसी की जान ले भी जा सकती है। जो अकड़ है यहाँ की जेब में होती है और जो इश्क है तो यहाँ के मिजाज में। इस मिजाज की भी बात होगी, इस अकड़ की भी बात होगी और जबलपुरिया लहजे की भी बात होगी। तो आइए स्वागत करते हैं इन तीनों गर्म खून युवाओं के साथ जबलपुरिया अंदाज में। स्वागत करते हैं आप तीनों लोगों का हम। सबसे पहले विश्वास जी, आपके पास हम आएंगे, युवा हैं, युवा देश का भविष्य कहलाता है और आपने भी कुछ ना कुछ ऐसा सोच रखा होगा जो देश को एक नई दिशा तय करने की ओर ले जाएगा। ये जो जबलपुर है तो जबलपुर का युवा किस ओर आगे बढ़ने की दिशा में सोच रहा है? नमस्कार, मेरा नाम विश्वास आनंद है और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कंडीशंस। यदि जबलपुर के युवा की बात की जाए तो जबलपुर का युवा संस्कारों से भरा हुआ है। जबलपुर को मुख्यतः संस्कार धानी बोला जाता है और यहाँ पे जो भी संस्कार है जैसे हमारे पुराणों में वर्णित हैं, इनका हर तरीके से पूरा यूज किया जाता है और उसको जीवन में ढाला भी जाता है। यहाँ का ऐसा नहीं है कि खून बहुत गर्म है, यहाँ के मिजाज तेज है, ये सब कहना गलत बात है। यहाँ से यदि आप बंदों से बात करोगे तो आपको बिल्कुल खुश मिजाज बंदे मिलेंगे और दिल से बहुत साफ मिलेंगे। और भविष्य की बात करें तो हर युवा हर तरीके से इस समय थोड़ा सा परेशान है कोविड की सिचुएशन को लेके, लेकिन वो प्रयासरत है और जरूर वो एक दिन कामयाब भी होगा। जो मेहनत करेगा वो पाएगा, सीधा गोल है। जबलपुर की पहचान क्या है? अगर हम जबलपुर की विशेषता के बारे में बात करें तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जबलपुर को जबलपुर बनाती है? ग्वारी घाट भी है, मतलब मेन तो नर्मदा नदी जी है, धुआंधार जलप्रपात है, दुर्गावती जी का मतलब समाधि भी है, त्रिपुरी जबलपुर में मतलब बहुत फेमस स्थान रहा है, अंग्रेजों के टाइम का स्थान है वो। रोहित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जबलपुर के युवा को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? यहाँ पर के युवा को नॉर्मली खाना पसंद है, जो वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है उनको तो चिकन खाना पसंद है, मुद्दे की बात, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो नॉर्मल डिशेस हैं वही चलती है, दाल चावल रोटी सब्जी ये सारी चीजें हैं। और जो दोस्ती यारी होती है, दोस्ती यारी हर जगह की जो तो एक विशेष मिसाल पेश करती है। यहाँ के इंजीनियरिंग के छात्र रहे आप लोग, जो तो आप लोगों की दोस्ती की मिसालें कैसी रही, दोस्ती कैसी रही? मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही क्योंकि मैं सागर में था, सागर से इंजीनियरिंग करा था और यहाँ पे मैं आया और ये नए नए जेईसी के दोस्त बने क्योंकि ये एमटेक कर रहे थे और मैं बी का नॉर्मली इंसान, नॉर्मली मैं बी ही कर नॉर्मली इंसान, ठीक है। एक सामान्य प्राणी का जो एक विशिष्ट प्रतिमा वाले प्राणी से संयोजन हो गया। तो नए नए यहाँ पे अच्छे दोस्त मेरे को मिले और यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले, दूसरे स्टेट के भी हैं यहाँ पे, दिल्ली से भी लोग हैं यहाँ पे और साथ ही साथ अलग डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हैं। काफी अच्छी यहाँ पे दोस्ती रही मेरी। जो युवा होते हैं उनके प्रेम संबंध भी होते हैं, अफेयर से भी होते हैं। जबलपुर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर एक युवा जो है अपनी बेटी को लेकर के जाता है, अपनी प्रेमिका को लेकर के जाता है? ये तो विवादों वाली बात हो जाएगी यदि घर में जाएगा तो वाट लग जाएगी, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो हम आपको खाली नहीं छोड़ेंगे, हम आपको एक कोना बताएंगे। मुद्दा ये है, यहाँ पे सबसे पहले जगह है देवताल। देवताल एक जगह है जहाँ पे सुपरताल के बगल में है, पहाड़ी है, टिकट लगता है 10 रुपया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं, बढ़िया घूम के आते हैं, मजे करके आते हैं। और आप जाना है तो भेड़ाघाट चले जाइए, संगमरमर की वादियों में कहीं खो जाइए, आपकी स्वेच्छा है। बस यही कुछ खास जगह है। बघेल खंड की ओर जब बढ़ते हैं तो कोरेक्स नाम का एक नशा जो है तो माहौल बना चुका है, क्या जबलपुर में भी कोरेक्स का नशा किया जाता है, एक मेडिसिनियल नशा है? नहीं नहीं, जबलपुर में ऐसा कुछ नहीं, कोरेक्स का नशा नहीं। यहाँ नशा किस चीज का सबसे ज्यादा किया जाता है? बंदे पीते हैं दारू, वो भी देसी देसी थर्रा। हमको लगा कि आप महुआ वाली की बात कर रहे हैं। इतने मिलेगी ही नहीं, कम से कम बीपी तक तो पीते ही होंगे ब्लेंड, इतना भी लो लेवल का भी मार लेते हैं, जॉइंट भी मार लेते हैं, जॉइंट भी मार लेते हैं लड़के लोग। तो ये जो पार्टियां होती हैं, जो इंजीनियरिंग के छात्रों की पार्टियां होती है, जो जबलपुरिया कुल मिलाकर के लॉडो की पार्टियां होती हैं, तो ये वीकेंड पे होते हैं कि कभी भी हो जाती है? अरे कभी भी, इसका कोई फिक्स नहीं है, जब मन किया तब पार्टी, भाई अभी चलना है बैठो निकल लिए और क्या। ऐसा बोला जाए जो कोई भी इमोशन जो होता है, दुख है, खुशी है, किस चीज का गम है, किसी को लड़की छोड़ के चल गई, किसी के पास लड़की मिल गई, कोई भी चीज हो जो अपने इमोशन जो आदमी के पास है, यदि कोई भी इमोशन से रिलेटेड यदि कोई चीज होती है आदमी तब जब बैठ जाता है, इसमें कोई विशेष तरह का माहौल या कोई पार्टी कुछ होना नहीं रहता, जब मन हुआ तब बैठ जाता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बैठना है, मन किया बस बैठना है, बैठ गए, दुख में भी सुख में हर जगह इलाज सिर्फ एक है। और क्या विशेषताएं हैं जो तो यहाँ की जो युवा हैं, जो तो उन युवाओं के बारे में बताइए, उनका मिजाज कैसा होता है?
युवाओं का मिजाज बाकी तेज है, रस्ते में जाएंगे गाड़ी आप सीधे सीधे चलाते हैं तो पक्का 2-3 बार गिरेंगे। लड़के ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कि रोड में सांप दौड़ रहा है, उनको शांति नहीं है। और अभी एक नया ट्रेंड है बुलेट का, फटाका फोड़ने का, गाड़ियों में फटाका फूट रहा है, आप जा रहे हैं आप कभी भी झटका लग सकता है, तो यहाँ थोड़ा संभल के। यहाँ पे फैक्ट्री भी है, एक तो डिफेंस पूरा एरिया है जबलपुर में, टोटली आर्मी के लिए जो भी गन बारूद तोपे सारी जबलपुर से ही सप्लाई होती है, ट्रक भी यहीं पे बनते हैं, लेकिन यहाँ बुलेट पे ही बम फोड़ देते हैं। यहाँ दीपावली का इंतजार नहीं करते, कभी भी दीपावली मन जाती है। और इसके अलावा यहाँ इंजीनियरिंग से जुड़े हुए और शिक्षा संस्थान की बात करते हैं, तो कौन कौन से शिक्षण संस्थान हैं यहाँ? यहाँ एक है ट्रिपल आईटीडीएम जे, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मतलब यहाँ दुमना है, वहाँ भी बहुत मौज मस्ती का माहौल है, मतलब मैं वहीं से पढ़ा हूँ, मतलब एक्चुअली बीटेक मेरी वहीं से है, एक नंबर माहौल है वो। थोड़ा सा जबलपुर से बोलोगे तो उसका जो वो है ना रहन सहन जबलपुर से कट जाता है, मतलब दूर है यहाँ से थोड़ा सा। और अपना जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल भीताई स्वास्थ्य बोस मेडिकल कॉलेज है, और अपना एग्रीकल्चर का भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, यहाँ यूनिवर्सिटियाँ बहुत जबलपुर में, और हर यूनिवर्सिटी का एक अलग मजा है, वहाँ की एक मस्ती है, एक माहौल है, अलग माहौल है हर जगह का। रोहित जी आप सागर में पढ़े हैं, जबलपुर के हैं, क्या जबलपुर को मिस नहीं किया 4 सालों में? कैसे वहाँ पे इंजीनियरिंग कर लिया? मिस तो करा था मैंने, एक साल के बाद उसके लिए भी ट्राई करा था, ट्रांसफर के लिए भी ट्राई करा था, पर ट्रांसफर नहीं मिल पाया, तो फिर 3 साल और बिताने पड़ गए लम्हे। तो उसी दोस्ती यारी को जो तो मिस कर रहे थे, इसीलिए आपने यहाँ पे पूरा दोस्ती का ब्लड बैंक खोल दिया क्या? नहीं, मेरे को जेसी से मेरे को बहुत लगाव था, क्योंकि घर के पास में था, और जब मैं कोचिंग करता था मैं सोचता था मुझे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, और फाइनली मुझे नहीं मिल पाया था, मेरे को सागर में IGC मिला था, और मैं बहुत मिस भी करता था, क्योंकि मेरी पहली प्रेफरेंस थी JEE, मुझे चाहिए था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि घर से पास था और अपने मुश्किल से 2 किलोमीटर था, तो मिस तो कर रहा था, पर दोस्त मिल गए, सारी चीजें क्लियर। अच्छा, जब पार्टी चल रही होती है और कभी पिताजी का फोन आ जाता है तो माहौल क्या होता है? बस बहाने चालू हो जाते हैं, हिम्मत से तो फोन नहीं उठाया जाता, लेकिन जब 2-3 बार ज्यादा हो जाए तो वहाँ हेलो दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ी देर से पहुँचता हूँ, बस इतनी ही बात रहती। तो क्या दोस्त कभी टांग खिंचाई कर देते हैं, कभी शोरगुल कर दे, आप कहें कि शांत रहना शांत रहना, पिताजी का फोन है, और इधर गाड़ी चला रहा हूँ तो दोस्त गाड़ी की आवाज निकाल देते हैं, यदि घर में बोल दिया मैं ट्रेन में हूँ तो ट्रेन की आवाज निकाल देते हैं, इतने सपोर्टिव, मतलब मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड सारे के सारे इंजीनियर हैं, और ऐसे इंजीनियर हैं कि जो तो मशीनें बनाना क्यों मशीनें की आवाज तक निकाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मशीनें बनाना क्या, मशीनें कोई सी भी मशीन की आवाज निकलवा लो इनसे, सब बोलते रहे मल्टी टैलेंट। आप चारों में शेरो शायरी कौन करता है? जब मान लीजिए किसी के साथ गम का माहौल हो तो शेरो शायरी कभी निकलती? विश्वास आनंद बहुत अच्छे शेरो शायरी करते हैं। लड़के को बड्डा बोल गया तो शायरी में, शायरी नहीं, मैंने कहा शायरी, इससे अच्छा यदि हमारे बीच में आप उपस्थित है तो इससे अच्छा शायर और कौन हो सकता है, तो एक क्यों नहीं एक शायरी आपसे ही सुन ली जाए। जबलपुर के जो लोग होते हैं, वैसे भी आप साहित्य के छात्र हैं तो आपने कुछ जबलपुर के बारे में जरूर लिखा होगा, तो हम आपके मुख से मुख सुनना चाहेंगे कि जबलपुर के बारे में खास क्या लिखा होगा। हमने जबलपुर के बारे में 2 ही लाइनें लिखी हैं अभी, कि काय बड्डे पहचानत नहीं कहा ये जबलपुर है, जेब में अकड़ और बात में एक अलग सी हनक है, काय बड्डे पहचाने नहीं कहा ये जबलपुर है, ये हमने लिखा, और मैगी सी मसालेदार है और ये शहर हर अकेले का शहर यार है, काय बड्डे पहचाने नहीं का ये जबलपुर है। तो यहाँ पर बड्डे बोलने का रिवाज है अक्सर, जो है तो दोस्ती में यारी में जो तो है बड्डे काय बड्डे ये चलता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है, क्यों बोलते हैं ऐसा बड्डे, क्या मतलब है इसका? बड्डे का मतलब बड़े भाई, और ज्यादातर हम जैसे कि किसी को अच्छे से या एक रिस्पेक्ट टाइप का देना है, ये मजाक मजाक में बोलते थे काय बड्डे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भैया और बड्डे, ऐसा बोल सकते हैं, तो एक मजा सा आता है मतलब बोलने में, एक अपनापन सा, जिसको लगता है कि अपना है तो उसको अपन बड्डे से बोल सकते हैं। और लड़कों को तो बड्डे बोलते हैं, लेकिन लड़कियों को क्या बोलते हैं? लड़कियों को बहन जी बोलते हैं और कुछ नहीं, संस्कार दानी है, हमने आपको शुरू से ही बताया है, संस्कार दानियों में रहते हैं, बहन जी करके बात करते हैं, बहुत आदर सम्मान के साथ देखते हैं, यही जबलपुर की पहचान है, और यही जबलपुर रिवाज है, यही मिजाज है।